विटामिन सी एवेलेन का फेस वॉश, क्या ये वाकई में 100% ग्लो देता है, कलर को फेयर करता है और रिजनेबल प्राइस में है और इंस्टेंट रिजल्ट देता है? तो ये वीडियो इसके बारे में होने वाली है। ऑलरेडी मैंने यूज किया है तो अभी आपको ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करती हूँ। क्या वाकई में ये विटामिन सी एवेलेन का फेस वॉश स्किन को ग्लो करता है और वाइटनिंग देता है, और इसके इंग्रेडिएंट और प्राइस क्या है? क्या ये इफेक्टिव है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड के बाद मैं लाई हूँ आपके लिए एक और रिव्यू वीडियो। वो है आज मैं रिव्यू देने वाली हूँ, ये आप देखें, विटामिन सी एवेलेन का है, एवेलेन कॉस्मेटिक का। ये है फेस वॉश, ये देखें। तो मुझे बहुत ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे थे कि आपके रिव्यू बहुत ही अच्छे होते हैं, तो आप प्लीज़ हमें रिव्यू बताएं समर्स के लिए। जैसे कि आजकल गर्मियां आ रही हैं, तो वो फेस वॉश हो जो बहुत ही अच्छा हो और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में, और मतलब उसका साथ ही साथ फ़ायदा भी हो। तो मैं पर्सनली ये यूज़ कर रही हूँ, आप देखें ऑलरेडी इतना मैंने यूज़ किया है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने प्यारे व्यूअर्स को इसका रिव्यू साथ शेयर करूँ। तो चलिए चलते हैं इसकी बात करते हैं। तो ये एवेलेन कॉस्मेटिक का फेस वॉश है, ये इनकी न्यू एडिशन है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब इसकी पैकेजिंग की अगर बात करें तो इस तरह से इसकी बॉटल है, और ये पंप के साथ इस तरह से आता है, तो बहुत ही अच्छा दिखने में है। और अगर इसकी बात करें कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं, तो जैसे कि इसमें है कि विटामिन सी है, तो इसमें ऑरेंज है, पपाया है, पीच है, और ये वो चीज़ें हैं, और आसो एलोवेरा, ये वो चीज़ें हैं जो स्किन को ग्लो देती हैं। तो इसमें है कि ये स्किन को ग्लो देते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर बता दूं कि ये वीडियो कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है। एज़ ऑलवेज जो मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो ये मेरा ऑनेस्ट जो है रिव्यू है, और जो मैंने खुद प्रोडक्ट यूज़ किए उसके बाद ही मैं आपके साथ उसका रिव्यू शेयर करती हूँ। क्योंकि मुझे ये होता है कि लोग बहुत ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं, तो लेडीज़ वो जो जेंट्स जो यूज़ करना चाहते हैं समर्स के लिए कोई प्रोडक्ट्स हो गई, तो उनका रिव्यू मैं ऑनेस्ट शेयर करूँ और वो उनको फ़ायदा भी हो। तो ये वाले प्रोडक्ट मैं आज इसका रिव्यू देने लगी हूँ। तो आपको मैंने इसका बॉटल दिखा दी और इसके इंग्रेडिएंट। तो अब इसकी बात करते हैं, इसमें इसको मतलब कितना फ़ायदा है और इसको किस तरह यूज़ करना है। तो इसमें अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो वन बाय वन इसमें ऑरेंज है, और इसके बाद पीच, पपाया एंड एलोवेरा। और ये इसमें ये आल्सो कहते हैं कि ये 100% तकरीबन जो है प्रोडक्ट्स इफ़ेक्टिव हैं स्किन के ग्लो के लिए। तो फर्स्ट अगर बात करें तो ये रीस्टोर करता है, नेचुरल ग्लो देता है, इवन टोन स्किन करता है, और उसके साथ डीपली क्लेंस करता है। और ये कोई भी यूज़ कर सकता है, सेंसिटिव स्किन जिसकी है, और ऑयली स्किन वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ अगर इसकी अभी बात करें कि इसमें इंग्रेडिएंट क्या है और मुझे इसका क्या फ़ायदा हो रहा है या नहीं, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम बात करते हैं इंग्रेडिएंट की। तो इसमें ऑरेंज है, और ऑरेंज आपको पता है कि बहुत ही ज़बरदस्त है, वो प्रिवेंट करता है अगर स्किन में कोई भी पिगमेंटेशन हो गई हो। विटामिन सी है इसमें देखें, और उसके साथ इसमें ये है पपाया। पपाया बहुत ज़रूरी है अगर आपकी स्किन में रेडनेस हो गई है या अनइवन स्किन टोन हो गई है, तो उसके लिए वो इसको बहुत ही इफ़ेक्टिव है। उसके साथ पीच है, पीच हमारे कम्प्लेक्शन को ग्लो देता है, कम्प्लेक्शन को अच्छा करता है, इवन टोन करता है, और स्पेशली अगर आपके पोर्स हैं, पोर्स क्लॉग हो गए हैं, तो उसके लिए तो पीच बहुत ही ज़बरदस्त है। और एलोवेरा, एलोवेरा तो हमें मालूम है कि एलोवेरा बहुत ही अच्छा है स्किन के लिए। वो स्किन को कोई भी इरीटेशन हो गई है, कोई भी आपके पिगमेंटेशन हो गई है, फॉर एग्जांपल आपके एक्ने हो गए, दाने हो गए, तो उसके लिए तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो ये वाले सारे इंग्रेडिएंट्स वो हैं जो ऑर्गेनिक है और आपके फेस के लिए अच्छे हैं, लेकिन नुकसान कोई भी नहीं यूज़ करने का। जैसे कि हमें मालूम भी है कि एलोवेरा हो गया या विटामिन सी या ऑरेंज हो गया,
ऑरेंज एक बहुत इम्पोर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही ज़रूरी होते हैं आपकी स्किन के लिए, वो आपकी स्किन को ग्लो देते हैं। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम अपनी जो है स्किन केयर में विटामिन सी ज़रूर जो है इंक्लूड करें। तो ये तो विटामिन सी का फेस वॉश है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं विटामिन सी का जो है मॉइस्चराइजिंग क्रीम के रिव्यू जानने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो उसका यूज़ करने का तरीका, प्राइस और कौन सा ब्रांड या कौन से प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ, तो मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि मैं रिकमेंड करती हूँ कि आपकी मॉर्निंग रूटीन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी मॉर्निंग रूटीन में अपना मॉइस्चराइज अप्लाई करते हैं, तो उसके बाद आप मॉर्निंग रूटीन में विटामिन सी मस्ट इस्तेमाल करें। उसके साथ जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप अपनी लाइफ में सन ब्लॉक ज़रूर यूज़ करें। चाहे वो बच्चे हो गए, बड़े हो गए, कोई मेल हो गए, फीमेल हो गए, आप सबको अपने लाइफ में सन ब्लॉक ज़रूर यूज़ करना है, वो भी किसी अच्छी कंपनी का। और जो डॉक्टर मैं रिकमेंड करती हूँ कि वो 50 प्लस का जो है उसमें होना चाहिए सन ब्लॉक। ऐसे नहीं कि आप 30 वाला को लेके आए, क्योंकि सन ब्लॉक के अलग अलग वो होते हैं टाइप्स। तो बेहतर है कि आप हमेशा उसमें देख के जिसमें मेंशन हो कि 50 प्लस इसमें है IUVB प्रोटेक्शन, तो आप वो लिया करें एटलीस्ट। ठीक है, ये तो हो गई इसके बाद। अगर इसकी बात यूज करें, अगर मुझे इसका क्या फ़ायदा हुआ या नहीं, तो मैं भी आपसे शेयर करने वाली हूँ। ये इस तरह से देखिए, आप मैंने ऑलरेडी यूज़ किया है, तो मुझे ये ओवरऑल अच्छा लगा और एक रिफ्रेशिंग फीलिंग होती है। जब भी मैं मॉर्निंग में अपनी मॉर्निंग रूटीन करती हूँ तो ये फेस वॉश यूज़ करती हूँ, तो एक मतलब अच्छा लगता है, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि समर में जिस तरह से वेदर होता है, गर्मियाँ होती हैं, तो सुबह सुबह आपको इतनी अच्छी खुशबू मिले तो बहुत ही अच्छा लगता है। एक तो इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है और साथ में इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ही टेस्ट करूँ, ये देखें, ये ज़्यादा वाटरी नहीं है, क्योंकि वाटरी जो होते हैं इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी है। जो वाटरी होते हैं फेस वॉश, तो उसका क्या होता है, वो इफ़ेक्टिव ज़्यादा नहीं होते हैं। तो ये वाला इस बहुत ही अच्छा इसकी कंसिस्टेंसी है। साथ ही साथ इसमें जो है, जो सारे इन्ग्रीडियंट्स हैं, मुझे उनसे फ़र्क पड़ रहा है। मुझे थोड़े पोर्स हो गए थे स्किन में, तो वो उस पोर्स को मुझे लग रहा है कि फ़र्क हो रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन में मतलब एक इंस्टेंट ग्लो आ जाए फेस वॉश करने के बाद, आप अपना चेहरा आईने में देखें तो आपको लगे कि मतलब आपकी स्किन अच्छी हो रही है, ग्लो आ रहा है, तो वो इसमें मुझे फ़ायदा लगा। और जैसे ही आजकल मतलब वेदर थोड़ा चेंज हुआ है, तो थोड़ी बहुत मुझे पिंपल्स होने लगे थे, तो वो भी मुझे लग रहा है कि मैंने जब से इस्तेमाल करना शुरू किया है, तो एक तो पिंपल भी मुझे वैसे ही ख़त्म हो रहा है। क्योंकि आपको पता है कि मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आप अपने चेहरे पे एक तरह एक्सपेरिमेंट नहीं किया करें, मतलब कोई भी आपने फार्मूला क्रीम्स ये वगैरह आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी। तो जी गाइस, आपको इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि जिस तरह हम मतलब जाते हैं कि वाइटनिंग क्रीम हम ये यूज़ करते हैं, तो ये फार्मूलाज वगैरह इस पर बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि उनमें क्या होता है, आपको इंस्टेंट टेम्पररी तो ऐसा लगेगा कि आपकी स्किन बिल्कुल अच्छी हो गई है और आपका कलर फेयर हो गया है और आपको एक मतलब किलो नज़र आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट इसके होते हैं। मैंने पर्सनली भी जिन लोगों को देखा है वो यूज़ करते हैं, तो इंस्टेंटली तो उनकी स्किन थोड़ी अच्छी लगती है, लेकिन बाय द टाइम जो फार्मूला क्रीम्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा केमिकल होते हैं, वो आपकी स्किन को इतना डैमेज कर देते हैं कि आपको बाद में रिंकल्स हो जाते हैं, आपकी स्किन को पिगमेंटेशन हो जाती है। तो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ जो बात मुझे लगता है कि व्यूअर्स को फ़ायदा होगी, तो इसलिए मैंने सोचा ये भी आपको बता दूँ, बल्कि गाइड कर दूँ कि फार्मूला क्रीम्स को प्लीज़ मतलब यूज़ करना बंद कर दें, नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करें। इवन आपको अगर घर में मतलब है कोई बनाना है देसी तरीके से, कोई टोटका करना है, तो वो ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि इसमें विटामिन सी है, तो मेरी पुरानी वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि मैं घर में विटामिन सी का किस तरह फेस पैक बनाती हूँ, वो बहुत ही अमेजिंग है। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर मेरे चैनल में व्यू करें, आपको नज़र आएगा, बल्कि उसमें पूरा गाइड मैंने किया है कि किस तरह से बनाना है, वो आपको बनाना है। आजकल जैसे कि वेदर है मतलब आजकल ऑरेंजेस आ रही हैं फ्रेश, तो आपको वहीं से मतलब वो ऑरेंजेस का पील ऑफ होता है, वो आपको बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं करना है, वो इतनी उसकी अच्छी रिजल्ट है। मैं आप मेरी बात मान के चलें, एक दफ़ा आप ट्राई करें, आप खुद डिफरेंस देखेंगे।
तो उसको क्या करना है, आपको ऑरेंज का पील लेके उसको आपको सन ड्राई करना है। आजकल गर्मियाँ हैं, धूप तो वैसे है, तो आप उस पील को, मतलब ऑरेंज के पील को फेंकना नहीं है, आपको लेके किसी अच्छी सी ट्रे में जो आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते उसमें मतलब फैला देना है। उसके बाद आप उसको सन में रख देंगे। आपके घर में कोई छत हो गई, गैलरी हो गई, बेलकनी हो गई, आपको उसमें रख देना है 1 वीक। 1 वीक के बाद आप देखेंगे वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। उसको आपको पाउडर बना लेना है। उस पाउडर को आपको रोज़ वाटर में मिला के अपने स्किन पे लगाना है, तो वो इतना अच्छा फेस पैक बन जाता है। इंस्टेंट आपके चेहरे पे फेयरनेस आ जाती है। आपका कलर थोड़ा, आपको लगता है कि गर्मियों की वजह से डल हो गया, तो कलर को वो फेयर करता है, चेहरे को वाइट करता है, और जो भी पिगमेंटेशन है, जो डार्क स्पॉट्स हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त, ऑथेंटिक और ट्राइड जो है रेमेडी है। मैंने अपनी वीडियोस में शेयर भी की, अगर आप इंटरेस्टेड हैं किस तरह से, मतलब स्टेप बाय स्टेप उसको बनाना है, तो वो भी आप देख सकते हैं मेरी वीडियोज़ में। और अगर इसको मैं रेट करूँ, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आप ओवन मतलब आउट ऑफ 10 से कितने मार्क्स देंगे, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, तो मैं इसे देती हूँ 9 out of 10, स्पेशली आजकल के वेदर के हिसाब से। तो ओवरऑल ये मुझे अच्छा लगा। अगर आपको ट्राई करना है तो आप ज़रूर इतना परचेज़ करें। और इसके साथ इसका जो दूसरे प्रोडक्ट है मेरे, विटामिन सी और इस तरह वाटरमेलन का फेस वॉश है एवेलिन का, वो भी यूज़ किया। अगर आप उसका रिव्यू देना चाहते हैं ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो जी ये गाइस आज का था रिव्यू। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और फैमिली और फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। तो जी गाइस बहुत सारी दवाएं सबके लिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।